बात ये कि काफी लोगों को इससे एतराज होएगा, आपको भी शायद एतराज हो। नहीं नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए, तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना। देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसाब लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। बात ये कि काफी लोगों को इससे एतराज होएगा, आपको भी शायद एतराज हो। नहीं नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी, हम लोग पाकिस्तान नहीं गए। इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बानी और जाफ़िशानी की है और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को ग़ुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रजाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए, तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना। देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसाब लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। मैं खुद एक निज़ामाबाद की फैमिली को जानता हूँ, एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके, वो लोग शादी के बाद मुंबई गए, उस बच्ची के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं, अभी पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेज़ी में मुरल बोलते हैं, MURL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया, उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाला, मुबारक भाई, जल्दी चलो। बोले, क्या तमाशा है? बोला, आप तो आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए आप, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, मैं पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर। अब देखिए, अब आप लोगों को नहीं मालूम क्या, मैंने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दी हमारा है बोल के।